एक वीवर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है जहां हम कहते हैं कोई कदर नहीं है, जैसे यहां ईमानदार लोगों का कोई कदर नहीं है, या मिडिल क्लास लोगों की कोई कदर नहीं है, या पढ़े लिखे लोगों की कोई कदर नहीं है। यानी इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं कोई कदर नहीं है। तो अगर आप भी इस तरह के सेंटेंसेस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आइए सीखे इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कोई कदर नहीं है को बोलने के लिए आप हैव या हैज नो एप्रिशिएशन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ ईमानदार लोगों का कोई कदर नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेयर, यानी यहाँ ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। यहाँ मैंने लिखा ऑनेस्ट पीपल, जिसका मतलब हुआ ईमानदार लोग। आगे मैंने कहा हैव नो एप्रिसिएशन, यानी कोई कदर नहीं है। तो ये पूरी बात ऐसी हुई है, ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन, यानी यहाँ ईमानदार लोगों का कोई कदर नहीं है। यहाँ मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, मिडिल क्लास लोगों का कोई कदर नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मिडिल क्लास पीपल हैव नो एप्रिसिएशन, यानी जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका कोई कदर नहीं है। यह है मेरा लास्ट एग्जाम्पल, पढ़े लिखे लोगों का कोई कदर नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एजुकेटेड पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं कोई कदर नहीं है को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज, उसके बाद आप कहेंगे नो एप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने यहाँ आपको करके दिखाया। तो अगर वाकई आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे?